आती है, झूठी पार्टी में लगता है सबको झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। भारतीय झूठी पार्टी के नेता बड़े बड़े झूठ बोलते हैं और बिना माथे पर शिकन आए हुए। आजकल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी राजस्थान में प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो का जिक्र कर रहे हैं। मैनिफेस्टो में लिखा है कि गरीब परिवारों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाएगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर राजस्थान में आती है तो, और खट्टर साहब वहां जाकर इन सब बातों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मैं खट्टर साहब से पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, हरियाणा में पिछले 9 साल से आपकी सरकार है, 450 रुपये में हरियाणा के गरीब लोगों को गैस सिलेंडर क्यों नहीं दे देते? राजस्थान में जाके हरियाणा का मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि यहां सरकार बनी तो 450 रुपये में गरीब लोगों को सिलेंडर देंगे, लेकिन जहां 9 साल से आप मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे हैं वहां आप 450 रुपये में गरीबों को सिलेंडर नहीं देंगे। किसको बेवकूफ बना रहे हैं खट्टर साहब, किसको झूठ बोल के बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं? जनता अब सब कुछ समझती है, जनता अब सब कुछ देखती है। दूसरा, बीजेपी के संकल्प पत्र में, सो कॉल्ड संकल्प पत्र में राजस्थान में यह कहा गया है कि गेहूं पर एमएसपी के साथ बोनस देकर 2700 रुपये में खरीद करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, आप भारतीय जनता पार्टी के इस संकल्प पत्र और इन वादों का राजस्थान में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जम के झूठ बोल रहे हैं, वहां के लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप 2700 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं का दाम देना चाहते हैं किसानों को, तो किसने रोका है आपको? हरियाणा के किसानों को 2700 रुपये गेहूं का दाम क्यों नहीं देते? हरियाणा के किसानों का गेहूं 2700 रुपये प्रति क्विंटल के दाम पर क्यों नहीं खरीदते? ये सारी बातें स्पष्ट तौर पर यह बताती हैं कि आप सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं। राजस्थान में 450 रुपये में गरीबों को सिलेंडर देने की बात करते हैं, हरियाणा के लोगों को महंगे सिलेंडर खरीदने पड़ते हैं, 1000-1000 रुपये में सिलेंडर खरीदने पड़ते हैं, 1200 रुपये के सिलेंडर तक खरीदे हरियाणा के लोगों ने, और गेहूं के बारे में आप कहते हैं कि राजस्थान के किसानों को प्रति क्विंटल 2700 रुपये देगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। किस मुंह से लोगों को झूठ बोल रहे हैं? हरियाणा में किसानों को अब 150 रुपये आपने बढ़ाने की बात की, उसके बाद सिर्फ 2275 रुपये मिलते हैं, और राजस्थान के किसानों को गेहूं के प्रति क्विंटल 2700 रुपये देंगे आप? क्यों झूठ बोलते हैं खट्टर साहब? हरियाणा के किसानों से, हरियाणा के गरीबों से ऐसी क्या नफरत है कि राजस्थान के गरीबों, राजस्थान के किसानों के लिए योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं और हरियाणा में वही योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की 9 साल से सरकार होने के बावजूद लागू नहीं कर रहे हैं? ये साफ दिखाता है कि आप लोग जनता को चुनाव के वक्त झूठ बोलते हैं, चुनावी जुमले, चुनावी वादे की जगह चुनावी जुमले बोलते हैं और चुनाव होने के बाद उसको भूल जाते हैं। अभी राजस्थान के लोगों के सामने झूठ बोल रहे हैं, यही झूठ 4 साल पहले हरियाणा के लोगों के सामने बोला था, 9 साल पहले हरियाणा के लोगों के सामने बोला था, और अब जब हरियाणा में चुनाव आएंगे तो फिर से झूठ बोलेंगे। इसलिए भारतीय झूठा पार्टी की एक एक बात को अब लोग समझ चुके हैं, आपके झूठ को पकड़ चुके हैं, आपका झूठ अब चलने वाला नहीं है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।